हाय महंगाई हाय महंगाई। चोणा तो बाद हर किसी की जबान उत्ते एहो शब्द ने। चोणा खत्म होंदिया ही महंगाई ने जो रफ्तार फड़ी है उसके मुताबक मंगलवार की चढ़ती सवेर पंजाब के हर शहर च पेट्रोल का सैकड़ा हो सकता है, क्योंकि लगातार सत्तवें दिन भी पेट्रोल दी कीमत च मुड़ 30 पैसे ते डीजल की कीमत 35 पैसे का वाधा कर दिता गया है। तो बहुत सर फर्क पैंदी है, क्योंकि साडे तो कंपनी ने थोड़ी पैसा देंदे हैं, लेकिन इतने इन्ना महंगाई है कि असि संघर्ष नहीं कर सकते हैं कि हाँ किन्नी पैसा लगती है। सानू तो बहुत प्रॉब्लम है पेट्रोल करके सर, महंगाई करके बहुत प्रॉब्लम है। एक बारी तो पेट्रोल 100 रुपये पहुंच गया सी, दोबारा घट गया सी, हुण दोबारा पहुंचने वाला है। हाँ जी सर, फिर बदने लग गया, हुण फिर प्रॉब्लम वही जा रही है। हमें जेडे सरकार बन रही है सर, हम बना रहे हैं इसलिए कि हमें उनकी मदद चाहिए, सारिया पब्लिक को आसान हो, हर चीज की सुविधा मिले। सर सरकार बनाने से फायदा क्या है जब हमारी महंगाई इतनी है। दिहाड़ीदार बंदा जी हुण किन्ने दा तेल पवादा, वध तो वध 100 दा पवालूगा, 50 दा पवालूगा। हुण जिहड़े हाई फाई बंदे आ उन्हां टैंकियां फुल कराणियां जी, असीं तां करा नहीं सकदे, नॉर्मल बंदा नहीं करा सकदा, है ना जी। ते उम्मीद यही करदे आ वी पेट्रोल दी कीमत घटनी चाहीदी है। बिल्कुल जी, जिस टाइम वोटां लैणियां हुंदियां उस टाइम तां कह दिंदे आ वी तुहाडी सहायता करांगे, सब कुछ करांगे, है ना जी। पर नहीं कुछ नहीं, कोई भी सुनता नहीं। सरकार की दी है, कमा के तो आप खाना पैना जी मैं सरकार आ जाए, ठीक है जी। बाकी आदमी पार्टी कहती सी भी फर्क आऊगा, देखते हैं हुण फर्क आऊगा कि नहीं आऊगा जी। पिछले 7 दिनों च 6 बार तेल दी कीमतां च इजाफा हो चुका है, यानी पैसा पैसा करके महंगाई लोगों की जेब हौली करती जा रही है। सारे कामों नूं असर पै रहा जी, पेट्रोल की कीमत बदल नाल जिन्हें भी घूमना जो काम वास्ते जाना सारे पास ही खर्चा पै रहा, बेड़ा गर्क कर रही गवर्नमेंट। मैं ठेकेदारी का काम करदा, बेल्डिंग का फैब्रिकेशन का काम करदा जी, सारा दिन घूमने का ही काम है, सारा दिन घूमने का ही काम है। घट्टो घट 150-200 किलोमीटर स्कूटर चलाना पैंदा, देख लो जी 10 रुपए का ही पेट्रोल का फर्क पै गया, 50 रुपए का दिन का फर्क पैंदा जी। फर्क बहुत पै रहा जी, हुण डेली का मेरा जी 250-300 ते लगदा, पहला कितने 200 का लगता था, ਡੇਲੀ ਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਫਰਕ ਬਹੁਤ ਪੈ ਗਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੋਏ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਡਿਲੀਵਰੀ ਬੋਏ ਦਾ ਕੰਮ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਡਿਪੈਂਡੈਂਸੀ ਹੈ ਜੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ 250-300 ਤੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਦਿਨ 'ਚ। ਕਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਬਜਟ, ਬਜਟ 'ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਣ? ਬਜਟ 'ਤੇ ਫਰਕ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਹੁਣ ਬਚਦਾ ਘੱਟ ਹੈ ਨਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਬਚਦਾ ਸੀਗਾ 700-800 ਰੁਪਏ ਬਚ ਜਾਂਦਾ, ਹੁਣ ਘੱਟ ਬਚਦਾ, ਉਹੀ ਖਰਚਾ ਵੱਧ ਗਿਆ, ਐਕਸਪੈਂਸ ਹੋ ਗਏ। ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੇ ਮੁੜ ਵਧੇ ਭਾਅ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ 99.45 ਪੈਸੇ, ਡੀਜ਼ਲ 88.29 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 99.31 ਪੈਸੇ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 88.15 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ 99.22 ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 88.06 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰੀਦਕੋਟ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ 99.35 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 88.18 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ 99.70 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 88.59 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ 99.52 ਰੁਪਏ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 88.34 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਮੋਗਾ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਦਾ ਰੇਟ 99.60 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 88.42 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ 98.93 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 87.79 ਰੁਪਏ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ 98.76 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ 87.66 ਰੁਪਏ ਵਿਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਬੇਕਾਬੂ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨੌਕਰੀ ਪੇਸ਼ਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਰ ਵਰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਤੋਂ ਪੜਤਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਬ ਡੇਲੀ ਜੈਸੇ ਮੰਨ ਲੀਜੀਏ ਮੈਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਮੈਂ ਜੋਬ ਕਰਤਾ ਹੂੰ, ਤੋ 8-10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮੈਂ ਸੈਲਰੀ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਿਤਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਐਸੀ ਹੈ ਪੈਟਰੋਲ ਕਿ ਇਸਕੇ ਬਿਨਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰਾ ਕਾਮ ਹੀ ਸਾਰਾ ਫੀਲਡ ਸੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੈ। ਹਮ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਡਲਵਾਏਂਗੇ, ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ, ਗਾੜੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ ਤੋ ਹਮ ਕਾਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਤੇ, ठीक है। अब कोई ऐसा तो है नहीं कि हमें हाथ का काम आता है तो हम एक जगह पे बैठ के कहीं पे कर लेंगे, और अगर कहीं शॉप वगैरह भी करते हैं तब भी किराए इतने बड़े हुए हैं कि हमारे एक बैकर ना गलत हो गया कहीं, तो किराए इतने हैं कि हम किराया अफोर्ड नहीं कर सकते। अब सारा दारोमदार बाइक पे ही है, क्योंकि फील्ड जॉब है तो इसी से काम क्या करते हैं? हमारा कुछ है जो कोरियर से रिलेटेड कह लीजिए, कोरियर वगैरह का काम है, तो पूरे दिन में डिलीवरियां वगैरह पिकअप वगैरह होती है, तो पूरा दिन हम भी चलते हैं और बाइक भी चलती है, जब तक जब शाम को हम रुकते हैं तब बाइक रुकती है, बस ये कह लो। अभी 400 रुपए का तेल डलवाया तो ये शाम तक खत्म हो जाए। ये हो गए थे लगभग 111-112 रुपए के टपके थे ऊपर। जब सरकार ने रियायतें दी तो उसके बाद कितना आ गया था, कम कितना हो गया था, कितने रुपए लीटर पे आ गया था? 94 रुपए 86 पैसे था।
95-86। अब ये दोबारा 100 रुपया होने वाला है? तो नहीं, 60-65 तो ही गया, तो कल अगर और बजे तो 100 हो ही जाएगा, 100 हो जाएगा। थोड़ा आप हमें ये बताओ कि आप काम करते हैं यहाँ, अब जैसे रेट बढ़ता है तो पेट्रोल जो डलवाने आते हैं आपके पास लोग, उनके ऊपर भी फर्क पड़ता है कि पहले इतने लोग आते थे? पॉकेट में बोझ पड़ जाते हैं, इधर से मतलब महंगे, मतलब इधर से महंगा ही है, इधर से रेट बढ़ रहा है, मुश्किल हो जाता है पेट्रोल डीजल डालना लोगों को कि भाई ये रेट बढ़ रहा है, कहाँ से खर्चा होगा, कहाँ से करेंगे हम। हुण तक 7 दिनों च पेट्रोल 4 रुपए अते डीजल भी करीब 4 रुपए महंगा हो चुका है। जेकर मार्च महीने च वधिया कीमतां दी गल कीती जावे तां 22 मार्च नूं पेट्रोल 80 पैसे ते डीजल भी 80 पैसे महंगा होया सी। 23 मार्च नूं भी 80-80 पैसे इजाफा कीता गया, हालांकि 24 मार्च नूं कोई वाधा नहीं होया, पर 25 मार्च नूं मुड़ 80-80 पैसे डीजल ते पेट्रोल महंगा होया। इसे तरह 26 मार्च नूं भी 80-80 पैसे इजाफा होया, पर 27 मार्च नूं पेट्रोल च 50 पैसे ते डीजल च 55 पैसे वाधा कीता गया। जेकर 28 मार्च की कीति जाए तो पेट्रोल 30 पैसे ते डीजल 35 पैसे महंगा हो गया। पंजाब च पिछले साल 2 नवंबर नूं पेट्रोल सब तो महंगा करीब 111 रुपए सी, ते जिवें पिछले एक हफ्ते तो पेट्रोल दीआं कीमतां च लगातार वाधा हो रहा है, उस तो लगता है कि पेट्रोल पिछले साल का रिकॉर्ड जल्द ही तोड़ देवेगा।